पॉइंट है। आप ये रामनगर से तो आप गिफ्ट कितने दे बलविंदर भैया, बलविंदर गोल्डस्मिथ सुंदर बनी सरस भारती जी, जो बातें कर रहे हैं पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं पर मुझे भी नहीं पता क्या कर रहे हैं। हाँ और ये नमस्ते जी, नमस्कार, मैं सरस भारती थी मेरे अजे ब्लॉग्स थोड़ा सारे दा दिल दी गहरी कहने स्वागत है। उम्मीद करनी तो सारे जने ठीक ठाक हो गए और ठीक ठाक हाँ। तो अज अस इन्ने जरूरी काम वास्ते घरा निकले, इन्ने जरूरी काम वास्ते घरा निकले कि तुम केह सुनाचै, काम असें करी बैठे न और काम के बाद हम पेट पूजा भी करी लई है। फिलहाल तो खाली कप बचे दिन तो मिलानी है कौन कौन अज करना है इधर और मिलिए तुस मिलू कने मिलिंद कने मैं मुझे मिला आज मैं सेकंड टाइम मिला नहीं है कल मिली और आज आज अस काम करने वास्ते आए थे ता मिला रहे हो ते इने इरो की तुस जान दियो जेड़े खाली कप पकड़ी कॉफी पी रहे हैं। हां बीच में कॉफी भाई मैं क्या दिखाऊं, मेरे तो मेरी है थोड़ी सी वैसे तुमसे ज्यादा है। अस लोग एक्चुअली शूट करने वास्ते आए थे और अस लोकेशन तो ऊपर थे, फिलहाल तो अस नेस्कैफे बैठे दिया जगती और केड़ी जगह गए थे वो तुसे अगे वीडियो च लभी है ना, मैं थोड़ा जे वीडियो पाई है गए थे पता नहीं कहां थे, बस गए थे, लोकेशन का नाम याद नहीं है, बस हम गए थे, बस वो जुगाड़ वाली लोकेशन होती है ना जो वहाँ गए, बट अच्छी लोकेशन थी, बट अच्छी थी हाँ। दीदी ने बताई थी तो अच्छी होगी, दीदी ने बताई थी लोकेशन बहुत अच्छी, अच्छी होगी, आप रील देखोगे दीदी की आप हाँ, मैं या बिल्कुल आप रील्स बनाने स्पेशली वहाँ पे आ सकते हैं। और आज हम लोग आए हैं रील बनाने के लिए और श्रेय जाता है इनको क्योंकि इन्होंने बोला था दीदी ये चलो रील बनाने जाते हैं, बड़ा कौन रहा है, अरे मिलू जी मिलिंद वर्मा जी, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप इनको रील्स के लिए मैसेज कर सकते हो या आपको रील्स के लिए बता देंगे जो भी इनका होता होगा तो ये आपको बता देंगे, आप इनको डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इनका नंबर भी दिया है वहाँ पे इनकी बायो में तो मैं भी डाल दूंगा इनका नंबर, दीदी भी डाल देंगे तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो सॉन्ग वीडियोज़ के लिए, वेडिंग शूट्स के लिए, किसी हर चीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड बंदा है हमारा मिल्लू। इतना सा था तो आज ये ऐसे गिम्बल लेके घूमता है, इतना सा था तो जब ये बैग लेके आता था, आज चलो अच्छी बात है काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों काम कर रहा है। हाँ जी और गल ये है कि मतलब जल्द कोई अच्छा काम करता है कलाकार और मेहनत का फल उसकी लगना चाहिए है, फल होता है जी जो भी तुम कुछ जाते हो, मुझे लगता कोई भी कलाकार जोड़ा है उस फ्री च काम नहीं करना चाहिए, पेमेंट हमेशा लेनी चाहिए है। तो मिलू हमें कन्नै जल्द मैं मिली, मिलिंद हमें कन्नै जल्द मैं मिली तो तुम बिल्कुल बिल्कुल जैनुइन प्राइस उपर काम करते हैं और तुसें कि उनका काम पसंद होग, जे पसंद होग तो तुस इनकी की फॉलो कर सकते हो और अपने काम वास्ते भी अप्रोच कर सकते हो, उन मिल लिया नेक्स्ट लोकेशन उपर, क्योंकि मैं होर कुछ नहीं जानती पर इन्ना जानती हाँ कि वो भी करे वक्त एक जन्म मेरे नाल तुरेगा, क्योंकि यह जिस्म मुकदा है तो सब कुछ मुक जाता है, जिस्म ब्लॉग जिसने डाले है ना तो इतना पोक किया ना उसने, मुजफ्फर ने आ जाना अपना बैग गेट से ऐसे फेंकना है बाहर और आ जाना उसने और हमने चले जाना, मतलब हमने बहुत इंजॉय किया, मतलब हमने अपनी लाइफ में बहुत बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी मेमोरीज हमारी हमारी एक त्रिकुटा नगर की हवेली हवेली की बहुत मेमोरीज है, हमने ब्रेड मक्खन पे भी जिंदगी काटी है, मैगी ब्रेड मक्खन, और हमने आपको पता है हमने ब्रेड कैसे गर्म किया, और मैंने और मुजफ्फर ने वो जो हीटर नहीं होता पिलर जिसमें हम सेकते हैं मतलब है ना उसको हमने उल्टा करना है, और जब एक बार लाइट बंद थी और मतलब वहां पे गैस भी नहीं थी और मैंने और मुजफ्फर ने ब्रेड मक्खन लाया उसके ऊपर हमने उस पिलर के ऊपर मतलब जो सेकने वाला पिलर था उसके ऊपर ब्रेड रख रख के गर्म की है और हमने वो खाई है दोस्तों। लेकिन आप ऐसा जुगाड़ कभी भी मत करना, ये सिर्फ इनकी पुरानी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, बट ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, वो रिस्की रह सकता है हमारी। हाँ तो ये है कि जो चीजें रिस्की हो भाई मैं तो अवॉइड करती हूं, कुछ नहीं पता कहाँ पे कौन कहाँ चला जाता है, कौन कहाँ चले जाता है, चलो सारे अपनी लाइफ में बिजी है, हम भी बिजी है अपनी लाइफ में, सारे काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अब तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी है सारे काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है, तो चलो अब हमें काम करके ही आगे बढ़ना है, ऐसे तो लाइफ में कुछ ऐसे तो बैठना नहीं है, सबने काम करना है, सारे अपने अपने बिजी हैं तो इस वजह से आजकल सबके साथ थोड़ी कम मुलाकात होती है, ऐसा नहीं है किसी के साथ रिश्ता कम हो गया है कुछ हो गया, पर यह है कि मिलना थोड़ा कम हो गया और प्यार उतना ही है अभी भी उतना ही है, जहाँ इतने साल काटे हैं साथ या इतनी देर हमने रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं मतलब अगर जिसको भी ऐसा लगता है तो मतलब बस बिजी है लाइफ में थोड़ा सा, भाई साहब बहुत बिजी हैं, तो आप ये ना समझे ये ना सोचे कि मुंडा जवाब नहीं दिंदा मैसेज दा या फोन नहीं चुकता, बड़ा बिजी हो गया मुंडा, आजकल काम बड़े करता है
सुख दुख में मतलब हर जगह साला एक जगह कटरगंजी कर जाता है, बाकी वो ठीक है, एक जगह उसने कटरगंजी करनी करनी। और मेरा एक दोस्त है बचपन का गुल्लू, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में, वो नेवी में है, उसकी भी मेरे को बहुत याद आती है, हम मेरी और उसकी भी बहुत यादें हैं साथ में, हमने बहुत अच्छा टाइम साथ में बिताया हुआ, मतलब काफी आज दोस्तों की याद आ रही है यार, पता नहीं क्यों पर आ रही है, आज बहुत याद आ रही है सबको, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, मेरे जितने भी दोस्त है ना सबको सबको बहुत सारा प्यार। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो दीदी का चैनल, दीदी के चैनल को सब्सक्राइब। गुल्लू भी आने वाला, मार्च में आने वाला है, मैं सबसे मिलाऊंगा उसको, उसको सबसे मिलाऊंगा, अभी से तो आप सारे मिले ही हो, अब गुल्लू से भी मैं आप सबको मिलाऊंगा, वो मार्च में आने वाला है, आ रहा है वो, उसकी मार्च में फ्लाइट है उसकी, तो वो मार्च में आ रहा है। अच्छा तो मैं वैसे तो मैं मुझे लगता है साहिल के सभी दोस्तों से मिली हूँ, पर क्या पता कुछ गुप्त गुप्त यार हो इसके जिनसे ये ना मिलवाना चाहता हो। लाइफ में मेरे गुप्त यार कुछ नहीं है, मैं खुली किताब हूँ, खुली किताब की बहुत, इतनी खुली किताब है ये कि पेज पलटते रहोगे तब भी कोई नहीं है मेरी जिंदगी, तब भी कुछ नहीं, ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक सब। लेकिन फोन आता फिर दूर जाके बात करते। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली यार, तो ये मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है यार, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, हर क्या यार किसी की गलती को क्या रखेंगे याद करके, किसी की जिंदगी इतनी छोटी सी है, किसी की गलती को पकड़ के बैठ देंगे या याद करके उसने ये किया था तो उसने ये किया था, अब भाई उसके साथ बात नहीं करनी, उसको ऐसे करना है, उसको नीचा दिखाना है, कुछ भी करना है, क्या करेंगे यार, इतनी सी जिंदगी है, तो आगे बढ़ते हैं ना, गलतियों को याद रख के क्या करेंगे किसी की, जो अपना है ना वही गलतियां करता है, तो इसलिए अपनों से प्यार करो, माँ बाप के बिल्कुल करीब रहो, कुछ नहीं पता जिंदगी। सुन मेरी बात, जेडी तू गल्ला बोला था, मैं चाहनी तू ये फॉलो करे सारियां, ये सारियां तू फॉलो जेले करगा ना तो बिल्कुल ऐसा आपू होने पर चल जाएगा। मैं अपनी गलती की ना देता हूं, किसी की नहीं गिनाता कभी, मैं इंसान ही बचपन से ऐसा हूं यार, बड़ा अच्छा, बहुत इंट्रोवर्ट हूं मैं, जहां मेरी गलती भी नहीं ना होती मैं माफी मांग के निकल जाता हूं वहां से, कि हाय 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 बात खत्म हो मेरी गलती भी नहीं होती है ना, मैं माफी मांग लेता हूं, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता यार, बात खत्म करो सीरियसली। हां सीरियसली साहिब, सही सच में ऐसा हूँ कि बात खत्म करो और निकलो, बस खत्म बात, अब वो पता नहीं अब कैसे बात खत्म, जहाँ प्यार है वहाँ मैं लड़ता हूँ, करनी है जहाँ प्यार है जहाँ प्यार है वहाँ मैं लड़ता ही नहीं, वहाँ मैं दिल से चलता हूँ, दिल से चलता है, दिमाग है ही नहीं हमारे पास यार, हमने कहा दिमाग से चलना, दिमाग ही यूज नहीं करता, तो बचपन से ही नहीं हमारे पास यार, हम तो पढ़ाई में भी बैक बेंचर थे यार, तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं, हमेशा दिल से ही चले हैं यार सबके साथ, तुम्हारे पास दिल ही है। दीदी टाइटल डालेंगी अपना, साहिल का ज्ञान। इस ब्लॉग का टाइटल होगा साहिल का, बाबा जी का ज्ञान। तो बातें वैसे इसने बहुत अच्छी बोली, बाकी पता नहीं कैसे बोली मुझे नहीं पता, पर ये है कि बातें जो भी बोली अच्छी बोली, उम्मीद करनी है कि इयां के अच्छा अच्छा ही बोल करो, कोई किसी से नाराज नहीं रहा करो यार, जिंदगी बहुत छोटी है, कोई किसी से नाराज नहीं रहा करो, जिंदगी छोटी है, आगे बढ़ो, जिंदगी में काम करो, अपने घर वालों को खुश रखो, पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, अपने सारे ड्रीम्स पूरे करो, और कुछ नहीं करो लाइफ में, अपनी माँ से प्यार करो, अपने पापा से प्यार करो, अपने भाई बहन सबके क्लोज रहो, अक्कड़ से कुछ नहीं होगा, सबके क्लोज रहो, जमीन से जुड़े रहो, भगवान सबकी सुनता है यार, सबकी सुनता है भगवान, मैंने इमोशनल कर दिया तुमने, मैंने रियलाइज किया है कि भगवान सबकी सुनता है, ऐसा नहीं है कि भगवान किसी की नहीं सुनता, सबका दिन आता है, ये नहीं है कि आप कर रहे हो तो आप बोलोगे यार कब से कर रहा हूँ मेरा नहीं हो रहा, सबका दिन आता है भाई, सबका दिन आता है, अगर आप कर रहे हो तो भगवान आपका भी दिन लाएगा, सबका दिन आता है, हर इंसान का दिन आता है, हर कुत्ते का भी आता है, हर इंसान का भी आता है, तो भाई करते रहो बस, हार मत मानो अपनी लाइफ, हार मत मानो, करते रहो, जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है कि मुझे यहाँ इस तक पहुँचना है, ये मेरा गोल है यार, मुझे ये अचीव करना है, तो उसके लिए मेहनत और प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, ऐसा नहीं करना हमें, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, माँ बाप का आशीर्वाद, उनका साथ, अगर माँ की दुआ लग गई ना तो आप कहीं पे भी पहुँच सकते हो, माँ की दुआ कहते हैं कि माँ की दुआ आपको बहुत दूर पहुंचाती है, माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ, माँ से प्यार से रहो, बिल्कुल माँ की सेवा करो, आंटी जी सुना रहे हो, माँ की सेवा करो, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी में, जिसने हमें पैदा किया, इस दुनिया में लाया है, जो हमें बोलना सिखाती है, जो हम पहला वर्ड बोलते हैं वो भी माँ बोलते हैं यार, तो फिर माँ के बिना इस लाइफ में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है माँ के बिना यार, कुछ भी नहीं है,
माँ सब कुछ है। साहिल भैया लगता है इमोशनल कर देगा सब। यस, साहिल जी का आज मकसद है हम सभी को इमोशनल करना। तो अस लोग पूजी के दिन कुछ पूजी के दिन केड़ा एरिया है ये हम पहुंच गए पंचतीर्थी पूजने वाले ना। और फिलहाल ते शूट आस्ते जा करने हैं, मिलिंद जी ने जाना है और शूट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट केड़ी लोकेशन रोनी है तुसी की साडे ब्लॉग। आज हमने सिर्फ घूमना है और रीले बनानी है। रील ऐसे नहीं बोलते कि रीले बनानी है, काम करने जाना है क्योंकि मेहनत लगती है किसी भी चीज के पीछे। तो हम लोग ये भी काम है, मेहनत हर चीज के पीछे है मेरे को, मेहनत तो हर चीज के पीछे है। वाह, ये क्या है साहिल? छोटी छोटी चिड़िया बिल्लियां और अच्छा भाई पंछियों को भी मत। पहली वाली लाइन जो तूने बोली थी क्या? अरे पागल, उससे पैसे मार खाएगा क्या? उससे पैसे ले गए किससे? इसे जम्मू में काम करना है, इसने नहीं करना। किसके किसका नाम लिया था इसने मिलिंद? अरे मतलब वो है दोस्त है, दोस्त है। तो दोस्तों आज पूजी गिने लोकेशन ऊपर और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी रील्स मिलू ने पहले ही शूट किए बट मैं अभी रह गई हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी शूट नहीं किया। जल्दी आपको इंस्टाग्राम पे दीदी के दिख जाएगी। हाँ पे शूट की बिल्कुल। हमारे जो आज के मेहमान हैं जिनका शूट होगा वो भी पहुंच नहीं रहे एक्चुअली, राह नहीं मिल रहा है उनको, उनको राह नहीं लग रहा है। उनको जब तक रास्ता मैं दिखाऊंगा नहीं तो उनको कैसे मिलेगा रास्ता? बिल्कुल साहिल, उनको मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा। उनको बोलो कि साहिल जी आ रहे हैं तो इधर चला कर दे शूट। और ये भाई साहब पूरी पूरी डाल दे रहे हैं, पूरी डाल। तो मिलिंद जी कर रहे हैं काम, तो यहाँ चल रहा है शूट। करिए करिए ना, तो ये यहाँ पर इनको कोई भी मिले तो ये गप्पे मारने लग जाती हैं। ये हमारी सरस भारती जी, आप जानते ही होंगे इनको, इनको कोई भी मिले तो ये गप्पे मारने लग जाते हैं। और ये आपका नाम? आरती। आरती ये बहुत अच्छी एक्टर है। ये गुआंडी है आप, ये रामनगर से? तो आप कहाँ से हो? रामनगर। रामनगर कहाँ से? तो चलो इनको अपनी बातें करने दो। तो ये हमारे सरस भारती जी जो बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं पर मुझे भी नहीं पता क्या कर रहे हैं। हाँ, और ये हमारे, आपका नाम? तानी देओल। ये भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। और ये दोनों कब से लगी हुई हैं मैं देख रहा हूँ। तो ये इन्होंने भी अभी काम कर लिया है जो करना था, अभी खुश हैं, अभी कह रहे हैं कि मेकअप फिर से कर लेती हूँ। तो देख लो जी का बहुत कुछ काम आएगा सामने। हाँ, तो सरस भारती जी के गाने में अभी ये भी दिखेंगे हमें। बिल्कुल, बहुत सारे दिखेंगे। अभी एक हमारे मिल्लू जी भी वहाँ पीछे लगे हुए हैं रील बनाने के लिए। तो मिल्लू जी भी लगे हैं हमारे यहाँ पर रील बनाने। तो मिल्लू जी, मिल्लू जी क्या हुआ? लास्ट रील है ऊपर आ रही है मैम, ये रील जो कब से बनवा रहे हैं इनकी रील भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली अभी तक इनको। तो तीन रील्स बना लिए। ओहो, चलो अभी यहाँ पर होने वाला है। चलो हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है ना। कौन? रील का आइडिया आजकल दिखते नहीं हो आप, कहीं बाहर निकल नहीं चले गए, बट लेकिन तो मुझे करना ही नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा डोगरी में बोलो पंजाबी में कैसे बोलो। कहने भाई मतलब डोगरी में बोलना तुझे, वही पूछ रही हूँ कैसे बोलो, हिंदी में बोलो पंजाबी में बोलो, पंजाबी में बोल के देखो, पंजाबी में बोल के देखो। दीदी मैंने रिकॉर्ड किया है जी भाई, आजकल लवदा नहीं ये चक्कर कि बाड़ में तो नहीं चला गया, एंड वाली जड़ा है ना कि कहीं बाड़ में तो नहीं चला गया, बाड़ हिंदी में, बाड़ में समझ गई, बाड़ में हमें हिंदी में बाड़ में गया, डोगरी बाड़ बाड़ च गया जैसा कुछ कर, रूढ़ी ते नहीं गया, रूढ़ी ते नहीं गया, क्या गल आजकल लवदा नहीं है, रूढ़ी ते नहीं गया। तो दोस्तों गल यही है कि इधर का शूट मिक लगता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और इसके बाद सेकंड लोकेशन पर किड़ी जगह उधर से जाइए पर हाँ थर्ड लोकेशन, फर्स्ट दी कुछ वीडियो देनी मैं फर्स्ट डाली मैं पाई उड़ गई है ना, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो ठीक है फिर थर्ड लोकेशन के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में,
अभी ये भाई साहब कुछ कह रहे रेडी होके बैठे, इतने कपड़े लाए हैं साथ में, मुझे नहीं बोला सरस दीदी कपड़े रखना साथ में, कहाँ लाए कमीना लड़के। एक ये लाई थी और एक वो लाई थी डिक्की में, वो पुराने कपड़े पड़े हैं जब मैं मतलब गया था अभी कहीं तो यहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल तब के कपड़े पड़े हैं, वो मैंने निकाले ही नहीं है सबके। बिल्कुल सर बिल्कुल नहीं निकाले। चलिए मैं तो कुछ भी बोलूँ वो झूठ ही निकलता है, क्योंकि क्या तुम लोगों ने वैसा ही क्या बोलू मैं पब्लिक के सामने, क्या बोलू मैं, बोलना नहीं चाहती। नाम दिया गया है मेरे को तो झूठों का देवता होऊंगा मैं, मेरी बात का विश्वास ही नहीं। नीचे वाले में वो करते हैं। चलिए फिर ठीक है दोस्तों बाय। तो दोस्तों मित्रों सज्जनों गल इदा है कि कॉस्ट्यूम साढ़े चेंज हो गए ने और साहिल का शूट तो हुई है, हूँ मेरी बारी है, तो मैं सोचा कि ना से एक और वीडियो बनाई लेते हैं ना मिलिंद साहिल जी, आप हमारी वीडियो बना देना कि जब हम ठीक है। चलिए चलिए ये हमारे आज के मॉडल गुजरी लगनी चाहिए साड़ी पहन और ये जिहड़ी इयररिंग्स ना गिफ्ट किए थे बलविंदर भैया बलविंदर गोल्डस्मिथ सुंदरवनी दे और अज मैं पहली दफ़ा पाए ने, उम्मीद करनी तुम भी शैल लगे बड़े प्यारे झुमकून ताइए मैं आखिर पूरी लगनी चाहिए कि मेरी लग रही खूबसूरत है दीदी है ना। चलो कभी कभी लगते हैं। तो दोस्तों साढ़ा सारा काम कंप्लीट हो गया, वीडियो शूट हो गए ने, मिलिंद होरें की ड्रॉप करी उड़िया घर, हूँ अस वापस चले अपने अपने घर। तो उम्मीद करने तुम साढ़ा अज्ज का ब्लॉग शैल लगा कि बड़ी ज्ञान वाली गल्लां हुई दियां ने, तो मिल गया हूँ तौले गए अगले ब्लॉग च। तल तक तुसेंगी करना पौना थोड़ा जिहा इंतजार, तो मेरे चैनल की सबसक्राइब करना नहीं भूलियो और कमेंट करिए जरूर सुनायो कि सर जी और के इंप्रूव करना चाहिए, बाकी एडिटिंग भी पता नहीं आती सीधी सीधी एम एच ए पौनी होनी हाँ। तो सारी मेरे पास फिर नमस्ते जी जय डुग्गर जय माता दी।